देहरादून पहुंचने वाले हैं। रास्ते में रुके हैं, यहाँ पे ठंड हो गई है, बहुत ऐसी तैसी हो रही है। भाई के भाई मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम मसूरी जा रहे हैं। हमारे परवीन भाई हैं, हमारे साथ पहले भी शिमला जा चुके हैं, और ये हमारे विपिन भाई हैं। तो तीन जने जा रहे हैं, मेरी गाड़ी से जा रहे हैं। ये खड़ी हुई है, गंदी हो रखी है, सफा करने का टाइम नहीं मिला है। एट ए टाइम प्लान बन गया, इंस्टेंट प्लान बन गया गाइस। तो बस रात को निकल लिया अब हम। निकल चुके हैं, मेरठ हाईवे पे हैं, और हमारा जो दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली 270 किलोमीटर के आसपास है मसूरी। 5 घंटे का करीब हमें टाइम दिखा रहा है। तो गाइस, हमने 60-70 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया। थोड़ा पानी वगैरह लेने के लिए अब यहाँ रुके हैं हम। तो हमारे भाई लेके आ गए चिप्स और पानी। तो गाइस, हम देहरादून पहुंचने वाले हैं, रास्ते में रुके हैं, यहाँ पे ठंड हो गई है, बहुत ऐसी तैसी हो रही है। भाई के देखो भाई की देखो, ऐसी तैसी कितने झूम झूम के कर रहे हैं। तू भी दिखा थोड़ी सी, मैं ऐसी तैसी दिखा। गाइस, ठंड बहुत हो रही है, ठंड में चाय का मजा ले रहे हैं हम। यहाँ 3:30 बजे, 3:30 बजे भाई, 4 बजने, 4 बजने वाला है, 3:47 के करीब टाइम हो रहा है। फाइनली चाय मिल चुकी है हमें। भाई को तो बहुत ज्यादा जरूरत हो रही थी चाय की। भाई मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देहरादून में रुक गए हैं आज रात, और सुबह जाएंगे मसूरी के लिए। तो फ्रेंड्स, हम रेडी होके निकल चुके हैं, अब सीधा हम कैंपटी फॉल मसूरी के लिए निकल रहे हैं यहाँ से, देहरादून से। हमने स्टे किया था वहां से, 43 किलोमीटर है, और 1.5 घंटे के करीब का रास्ता दिखा रहा है। तो जस्ट अभी निकले हम। तो ये हमारे भाई सुबह से भूखे हैं, पराठा पेल रहे हैं। बताओ भाई, कैसा है टेस्ट? A1 टेस्ट है भाई, A1। सच्ची बात, बढ़िया भाई, खा के देखो पता चल जाएगा, देसी घी का पराठा एकदम मस्त। फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं कैंपटी फॉल। ये कैंपटी फॉल के लिए नीचे रास्ता जा रहा है। हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगा दी है। पार्किंग में ये 200 रुपए लेते हैं। कैंपटी फॉल के लिए दोस्तों यहाँ से नीचे उतर के जाना होता है, और ये रास्ता जो है, इस रास्ते में पूरी मार्केट बनी हुई है। आप अपने लिए कोई भी सुवेनियर और अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली के लिए कुछ भी गिफ्ट वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो कैंपटी फॉल का रास्ता है नीचे जाने का, ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं है, आप पैदल आराम से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रोपवे की सुविधा भी मिल जाती है, अगर जो आपको इसका मजा लेना है, आप इसके थ्रू भी नीचे जा सकते हैं। तो फाइनली गाइज, ये है कैंपटी फॉल, और यहाँ पर देखो कितना सुंदर नजारा है और कितने लोग आए हुए हैं। Yeah.
फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं एम्प्टी फॉल और यहां पर हमने एक लॉकर ले लिया है। हमारा 121 नंबर लॉकर है, इसमें हम अपना बैग और सामान रखेंगे। तैयार हो गए हम नहाने धोने के लिए। भाई ने ये नहाने के लिए यूनिफॉर्म लिया, कच्छा और बनियान। 50 रुपये में ये रेंट पे मिल गई है यहाँ पर। और 50 रुपये में हमने एक कवर लिया है फ़ोन का, जिससे कि कैम्प्टी फॉल में आप इसमें से, इस कवर से आप कैम्प्टी फॉल में वीडियो वगैरह बना सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, इसमें पानी नहीं जाएगा। 50 रुपये का ये कवर मिला है, तो 50 रुपये हमारे लॉकर के रखे हैं। और बाकी अब हम हो गए हैं रेडी। हम तो पहले से लाए थे कपड़े, भाई ने खरीद लिए हैं। भाई लग रहे हैं एकदम सेक्सी और ये भाई भी तैयार हो गए हैं। लॉकर में भी अच्छा खासा स्पेस है ना, नंगे बच्चा है ना। वो आ गया और यहां पर ना पूछा।